तालझारी में प्रशासन ने पत्थर माइंस एवं क्रशर में संचालित 3 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने की है। बताया जा रहा है, तालझारी थाना क्षेत्र की सकरी गली गदवा मौजा स्थित पत्थर माइंस एवं क्रशर में चलने वाली जेसीबी मशीन पर यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी ने 12 जेसीबी मशीन के मालिक को अखबार में विज्ञापन देकर जल्द से जल्द जेसीबी का निबंधन कार्यालय में आकर करवाने के लिए कहा था। हालांकि इसके बावजूद जेसीबी के मालिकों ने लापरवाही जारी रखी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ऐसे जेसीबी हैं जो कि मालवाहक के रूप में निबंधित हैं, जो वैध नहीं है। झारखंड मोटर करारोपण अधिनियम के अनुसार सभी को एक्सकैवेटर के रूप में निबंधित होना है। इसके लिए गाड़ी का सेल इनवॉइस, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, तीनों की आवश्यकता है परिवहन कार्यालय को। सभी मालिकों को विज्ञापन के माध्यम से पूर्व में सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए जेसीबी के जब्ती कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इन जेसीबी मशीन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दूसरे इलाकों से भी 2 जेसीबी मशीन पर कार्रवाई की गई है। अभी तक जिला परिवहन पदाधिकारी ने 5 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। अमित चौधरी, न्यूज लाइव, तालझारी।